हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, आपके साथ इस रिश्ते के बारे में, ओके और क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं उनके थॉट्स में। ये एक जर्नल रीडिंग होगी, ओके और टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, ये रीडिंग सभी जोडियक साइन के लिए होगी और आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, जिनके लिए आपको ये रीडिंग देखनी है उनके ऊपर आपको फोकस करना है और पॉजिटिव होकर रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट कर लेना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर टैरो डेक लेंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैरो डेक लेते हैं, फिर हम देखेंगे। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स की पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट सेक्शन क्या है। जो भी बीमार है उन सबको अच्छी सेहत, लंबी उम्र है। जो भी मैरिड हैं जल्दी दोनों एक साथ हो जाएं, और जो भी सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनकी शादी हो जाए, और जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी उनको उनका पढ़ाई में मन लगे और सभी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में अपना एग्ज़ाम क्लियर करें। जिनके पास जॉब नहीं, ऊपर वाला उन सभी को अच्छी जॉब दे। जो भी बच्चे टेंशन कर रहे हैं उनको ऊपर वाला एकदम शांति दे जिससे कि वो पढ़ाई में कंसंट्रेट कर सके। ओके, चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, चलिए ये कार्ड देखकर आपको तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपके लिए तो ये पॉजिटिविटी ही दिखाएगा, क्योंकि इस कार्ड का मतलब आपके पार्टनर का दिल टूटा है, और दिल किसने तोड़ा होगा आप समझ रहे हैं। चलिए, थ्री सेवन ऑफ कप्स, ओके, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर मैरिड है, वो चाहे मतलब मेल हैं और फीमेल हैं, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा। क्या आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना, और ख़ास तौर पे जो उनके हस्बैंड या वाइफ हैं, उन्होंने उनको उनके साथ उनके काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ है। टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कुछ लव ट्रायंगल दिख रहा है मुझे यहाँ पर, कि कुछ तो है, चीज़ें बहुत अलग हैं लेकिन कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो ऑनलाइन किसी से मिले हैं और किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो फिर आप मैरिड हैं और उस पर आपको इतना यकीन हो गया है कि आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसके अंदर कहीं ना कहीं आप चीज़ें आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ कुछ गलत हो रही हैं, गलत मतलब आर्ग्यूमेंट्स हैं सब कुछ, और वो आपका रिश्ता उधर असर डाल रहा है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। चलिए रीडिंग से, ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सही है गाइस, दिख रहे हैं ना आप लोग को कार्ड्स। ओके, मुझे थोड़ा कैमरा सेट करना रहेगा। चलिए कोई नहीं, मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ, नहीं ये इधर ही ठीक है। बॉटम में थ्री ऑफ वांड्स, ठीक है,
जो भी रिश्ता है आपका अपने पार्टनर के साथ, बहुत ज़्यादा आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ख़ासतौर पे अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो चैनल मैसेज थे वो मैंने आपको रीडिंग कार्ड शफल करते टाइम दे दिए हैं, अब हम अपनी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर का दिल टूटा है, क्योंकि जो आपके पार्टनर सेपरेशन में चल रहे हैं, जिनके साथ बातचीत नहीं है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, इस तरीके की आपके जो रिलेशनशिप में उसमें चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पर है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर का दिल टूटा है, अगर आपके पार्टनर किसी और रिलेशनशिप में थे और आप हस्बैंड या वाइफ देख रही हैं, और आपको लगता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ, आपके साथ एक शादीशुदा ज़िंदगी में हैं और उसके अलावा किसी और के साथ भी उनका रिलेशन है, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ठीक है, एक अलग से मैसेज है ये, क्योंकि फिर सब लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, तो मैं ज़रा क्लियर कर रही हूँ। बाकी रीडिंग फिर सभी के लिए हैं, तो अपने हिसाब से जो चीज़ मैं नहीं बता पाऊँ आप वो समझ जाइएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपके पार्टनर अगर किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे तो वहाँ से उनका ब्रेकअप हो गया है, उनमें आर्ग्यूमेंट तो शुरू हो चुके हैं, ब्रेकअप नहीं भी हुआ तो आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई, रिश्ता ख़त्म होने की कगार पे है, या तो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने की कगार पे है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता, वो थर्ड पार्टी जो भी हो, ठीक है। तो दिल तो काफ़ी ज़्यादा उनका टूटा है, और बड़े प्यार से जाके आपके पार्टनर ने उन्हें ऑफ़र किया था, या फिर उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ऑफ़र किया था, वो अट्रैक्ट हुई थी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ, और दोनों बड़े एकदम एक दूसरे को ऐसे समझे थे जैसे कि हाँ हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, हमारे जैसा कोई कपल नहीं है, बल्कि जबकि आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है, मुझे इससे लग रहा है उस थर्ड पार्टी का एक्स उसकी लाइफ में वापस आया है, और मतलब उसकी पास्ट लाइफ से कोई वापस आया है, और उसकी वजह से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर जब आपका दिल तोड़ा था और उस थर्ड पार्टी के साथ गए थे, तो थर्ड पार्टी ने भी उतना ही इंटरेस्ट दिखाया जितना आपके पार्टनर ने, और ज़्यादा मुझे थर्ड पार्टी ने ही अट्रैक्ट किया है आपके पार्टनर को, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोनों बहुत बहुत अच्छी ज़िंदगी में, कि हमारे जैसा कोई हो ही नहीं सकता, जबकि उसने भी किसी का दिल दुखाया और आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया, लेकिन वो दोनों ये भूल गए कि अगर हम किसी रिश्ते को तोड़ के किसी नए रिश्ते में बनते हैं तो हम खुश कभी नहीं रह पाते, क्योंकि जब कोई इंसान किसी के साथ रिश्ते में आता है तो वो बहुत ट्रस्ट करके आता है, वो ट्रस्ट वो नहीं करता, ऊपर वाले ने जोड़ दिया होता है तो हमें सब कुछ अच्छा दिखने लग जाता है, तो वो एक कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ किया, और उसके बाद में आपके पार्टनर ने क्या किया, साथ तो रहे लेकिन दिल तोड़ दिया किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो उनके साथ भी तो वो हो सकता है, वो लोग ये भूल जाते हैं। उनके बीच में ना पता है किस तरीके के झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अगर एक दूसरे को किसी रेस्टोरेंट पर जाके उन्होंने कॉफ़ी पिलाई होगी ना, तो वो भी ताने मारने में एक दूसरे को सुना रहे हैं वो लोग, ठीक है। और या फिर आपके पार्टनर का ऐसा बिहेवियर हो सकता है कि थोड़ा इस फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और नहीं भी है तो एक एक चीज़ काउंट कराते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया था, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, तो तुमने वो छोटी छोटी ऐसी चीज़ ना सुनाते होंगे, मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया था, या मैंने तुम्हें वहाँ वो हेल्प की थी, चाहे वो कोई भी है, वो इस तरीके की नेचर रखते हैं। लेकिन अब क्या है, जब उन दोनों के बीच में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं ना, ये आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो अंदर से ना आपके साथ वो थे तो आपने छोटी छोटी चीज़ों में उन्हें बहुत खुशियाँ दी, जब वो थर्ड पार्टी के साथ गए बहुत प्यार से, उनको लगा कि अब हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, बहुत अच्छा है सब कुछ, तो उनका दिल एकदम टूट गया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अब वो शर्मिंदा भी हैं और आपके साथ बिताए हुए वक्त को बहुत याद कर रहे हैं, और मुझे अगर उनसे पूछा जाए तो उनके वो ना दिल से रो रहे हैं अभी, उनको लग रहा है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि ये एक्चुअल में हुआ क्या है। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर के थॉट्स अब आपके लिए चेंज होंगे, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, चाहे वो मैरिड हैं अनमैरिड हैं डिवोर्स्ड हैं, जो भी हैं, आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए बहुत चेंज होने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो ये सिचुएशन है ना, ये बहुत अलग हो गई, उनके सोच से बाहर हो गई, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ऊपर वाला भी तो चीज़ें अलग तरीके से करता है ना, जो हम नहीं सोचते ऊपर वाला वो कर देता है। ओके, यहाँ पर अगर आपके हस्बैंड और वाइफ से आपके बीच में आर्ग्यूमेंट होते थे, आपको लगता था कोई तीसरा पर्सन है जो मेरी वाइफ को या मेरे हस्बैंड को हैंडल कर रहा है, हम दोनों के बीच में है कोई, तो उससे आपके पार्टनर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाएगा, ठीक है। आपके पार्टनर जिस रिश्ते में आपके साथ हैं, आप हस्बैंड और वाइफ हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, या इंगेज्ड हैं एक दूसरे के साथ में, या फिर
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो उनके उनका जो नज़रिया है ना वो आपके रिश्ते के लिए चेंज होगा। उनके थॉट्स जो नेगेटिव है वो चेंज होंगे। वो घटिया हरकत की है मेरे हिसाब से, तो सॉरी लेकिन बहुत ख़राब हरकत की है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हस्बैंड और वाइफ एक साथ होते हुए भी अगर उन्होंने एक बच्चे हैं आपके और आपने किसी और के खातिर अपनी वाइफ को छोड़ दिया हुआ है, तो ये इससे गलत बात कोई नहीं होती, क्योंकि वाइफ किस तरह से सर्वाइव करेगी बच्चों के साथ में, और अगर वो हाउस वाइफ है तो ख़ासतौर पे वो इस एक एज पे जाके मम्मी पापा जो हैं वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो उनके वो चलो फाइनेंशियली अपने बच्चों का हेल्प हमेशा करेंगे, लेकिन ना उनके लिए टेंशन बहुत बड़ी होती है कि हमने इतना सब कुछ किया और आखिरी में हमारे बच्चे तकलीफ़ में हैं। वो चाहे लड़का, अगर आप हस्बैंड हैं और आपकी वाइफ ने ऐसा किया तो भी ये बहुत गलत हरकत है, ठीक है। उनकी सोच आपको लेकर अब चेंज हो रही है, हो सकता है वो किसी नेगेटिव एनर्जी में हो, जो भी चीज़ है, वो हस्बैंड और वाइफ बनना चाहते हैं आपके। अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, इंगेजमेंट हो गई है तो या रिश्ता पक्का हो गया था तो वो आगे बढ़ेंगे और ये रिश्ता शादी तक जाएगा। शादी हो चुकी है तो उनको बुद्धि आएगी, वो एक अपना हंसता खेलता खुशहाल परिवार बनाएंगे, ठीक है। सॉरी मैंने वो घटिया वर्ड यूज़ किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब शादी हो जाती है तो उसको थोड़ा अच्छे से निभाना चाहिए, क्योंकि उसका असर सीधे हमारे माँ बाप पर पड़ता है, और अगर हस्बैंड या वाइफ ने कोई ऐसी हरकत की है तो वो ख़ासतौर पर उसका बच्चों पे कितना असर पड़ेगा। बच्चे एक अपनी बिना मम्मी के या बिना पापा के बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि मम्मी या पापा टेंशन में है, तो उसका असर कहीं ना कहीं बच्चों की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो ऑनलाइन डेटिंग पर गए हैं, ऑनलाइन डेट किया है एक दूसरे को, तो वो रिश्ता शादी तक पहुँचा है। कुछ के पार्टनर एक बार मिलने भी आ गए और 2 साल पुराना आप दोनों का रिश्ता हो सकता है, 2 साल हो चुके हैं या 2 साल से ज़्यादा कि आप लोग ने ऑनलाइन एक दूसरे को डेट किया है, और हो सकता है डिस्टेंस ज़्यादा भी हो, स्टेट अलग हो आप दोनों की, और या फिर सिर्फ सिटी का फ़र्क है। एक या दो बार आप मिल चुके हैं लेकिन इससे ज़्यादा ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, तो आगे बढ़ेगा। आपके पार्टनर आपकी बार आपसे मिलने आएंगे और शादी में तब्दील होगा आपका रिश्ता। और सॉरी गाइस, 5 of Wands है यहाँ पर। आपके पार्टनर जो पर्सन था नेगेटिव जो पर्सन था इस रिश्ते को लेकर, उससे आपके पार्टनर के काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ऑब्वियस है ये थर्ड पार्टी ही थी जो आपके पार्टनर को हैंडल कर रही थी या आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही थी, उससे आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर की हालत बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है, बहुत तकलीफ़ में आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है थर्ड पार्टी, बहुत उनको कंट्रोल तो कर ही रही है, उनको ऑर्डर कर रही है, उनके साथ फाइट कर रही है, उनके ऊपर गलत तरह से हक जमा रही है, उनको बांधने की कोशिश कर रही है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को जब समझ आ जाएंगी तो उन्हें वो सिर्फ रिश्ता, क्योंकि आपके पार्टनर किसी के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की तो ये एनर्जीज चल रही है थर्ड पार्टी के साथ। मुझे लग रहा है कि रीडिंग थर्ड पार्टी के लिए होनी चाहिए थी। अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर, क्योंकि ये तो उनकी करंट एनर्जी तो निकल कर आई है कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, और आपके लिए वो कहीं ना कहीं शादी करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, और चलिए हम आपके लिए रीडिंग देख लेते हैं कि और क्या थॉट्स हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए। ओके, द डिस्ट्रॉयड मैस्कुलिन। हाँ, आपके पार्टनर अपने थॉट्स में रहते थे, अपने घमंड में रहते थे, अपने आप को बहुत आगे समझते थे, तो उन्हें ये चीज़ फील हो रही है कि मेरे पार्टनर ने जिन चीज़ों के लिए मुझे मना किया था या इस रिश्ते पर टाइम देने के लिए कहा था वो मैंने नहीं करके बहुत गलती की, अपने आप में घमंड करके बहुत बड़ी गलती की मैंने। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, ओके, अब आपके पार्टनर को ना पता है आपकी जो बातें थी, आपके साथ जो बिताया हुआ वक्त था, आपके साथ जो पॉजिटिव टाइम उन्होंने स्पेंड किया था, वो उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और आपकी एक छोटी छोटी बताई हुई बात उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। द डिवाइन फेमिनिन, उनके अंदर का जो गुस्सा और घमंड तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, और आप तो सेल्फ लव कर ही रहे हैं और सेल्फ लव करते रहना, जो लोग नहीं कर रहे हैं सेल्फ लव उन्हें सेल्फ लव करना ही है। ओके गाइस, और बॉटम में देखते हैं यहाँ पर है द सिल्वर वाटरफॉल। आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी क्योंकि आपके पार्टनर के जो थॉट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है। उनको जो सुनने को मिला है ना गाइस, जिस तरह से उन्होंने आपको सुनाया था ना, वही चीज़ उनको सुनने को मिली है, इसलिए उन्हें ये चीज़ समझ आ गई कि उन्हें अब किसी और को
जब उनका दिल टूटा ना, उनको लग गया कि आपके आपके साथ शादीशुदा ज़िंदगी को ही उन्हें आगे बढ़ाना है, या फिर आप ऐसे पार्टनर हैं जो जिनके साथ वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि चलो अब मैं सिर्फ इसी पर ध्यान देता हूँ या देती हूँ, ठीक है। तो वो डिसाइड तो कर ही चुके हैं कि उन्हें अब आपकी तरफ आना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है अब इस रिश्ते के लिए। बस आपको पता है क्या करना रहेगा, जब आपके पार्टनर का कॉल और मैसेज आए ना आपके पास, तो आपको एकदम बहुत कैजुअल होकर बहुत बहुत अलग तरह से बात करनी है। ज़्यादा उनको ये नहीं दिखाना है कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे उनका और बहुत समय से आप चाहते थे कि वो आपको कॉल करें, इस तरीके की एनर्जीज नहीं दिखानी है। आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए हम मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।